मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोलापार में एक नया होटल बना है, महफिल नाम है इसका, और काफ़ी अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आकर आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हल्द्वानी वालों के लिए या बाहर वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, सकते हैं तो फैमिली के साथ या फिर जैसे भी आप आना चाहें आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त मैं गोलापार के एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में हूँ, इसका नाम है महफिल। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाएंगे और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर एक कपल को लेकर आया हूँ, मैं कपल तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ यहाँ पर कपल्स लोग बहुत आते हैं और आप लोग भी आ सकते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ की लोकेशन कितनी बढ़िया है। सामने फूलों का बगीचा है, यहाँ अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा है, पार्टी भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। ये स्टाफ है यहाँ का, ये भाई साहब शेफ हैं, ये मैनेजर, आप मैनेजर साहब, अच्छा, और ये भाई साहब हैं, गार्ड साहब हैं यहाँ के। अच्छा भाई, आप लोग जो है पर आप क्या करते हैं? अच्छा, आप सर्विस में, क्या सर्विस आपकी? अच्छा, चलो, तो मुझे ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अब की बार मैं आया हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महफिल। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा गोलापार आना हो रहा है, आता जाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट पे नज़र नहीं पड़ती थी। पहले मैं यहाँ सामने रॉयल स्पाइस था, वहीं पर कस्टमर्स आते थे, तो लेकिन अब जो है वो सब यहाँ पर, एक नया रेस्टोरेंट खुल गया है तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। भाई अगली बार आऊँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कस्टमर्स का, थोड़ी सी जो है उनको वो क्या कहते हैं, छूट भी दिलवा देना। थैंक यू, फिर मिलते हैं। नाइस लोकेशन एंड नाइस व्यू, वाकई में दोस्तों अगर पार्टी की जाए तो ऐसी ही जगह पर करनी चाहिए। यहाँ पर हट भी बने हुए हैं, आप हट में बैठकर अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। भाई मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। ये यहाँ के मालिक साहब लग रहे हैं। कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, हल्द्वानी सिटी के एकदम नज़दीक से लगते हुए हमारा बाईपास रोड निकला हुआ है, उसमें हमने एक कुमाऊनी महफिल करके एक रेस्टोरेंट बनाया है, जिसमें हम कुमाऊनी व्यंजन भोजन शुद्धता के साथ परोसते हैं। अतिथि देवो भव कहा गया है हमारे कुमाऊँ के लिए, अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमने पूरा, हमारा शिष्टमंडल है, हम 4-5 जनों का एक शिष्टमंडल है, हम रेस्टोरेंट हमारे 2-3 हैं, हम कुमाऊनी व्यंजन खिला के ग्राहकों को खुश करने की एक मुहिम चला रही है हमने। उसमें हम कितने खरे उतरते हैं हमको कुछ पता नहीं है, पर अभी हम 1 ईयर हो गया हमको, हमसे कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, मतलब हमारे पास रिटर्न में आने लग गया है। एक कुमाऊँ को हमने अच्छी तरह से, जो हमारा ग्राहक आए, जो हमारे पहाड़ की देवभूमि कहा गया है, अतिथि देवो भव कहा गया है, उसके लिए हम स्वागत के लिए हम सदैव तत्पर तैयार हैं यहाँ पर हम सेवा के लिए। करिएगा अगली बार जब भी घूमने के लिए गोलापार आएँ तो ये महफिल रेस्टोरेंट और होटल है, यहाँ पर आकर ज़रूर एक बार यहाँ का व्यू देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप जी भी यहीं पर काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट के बाहर और ये अपने गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। सरदार जी, क्या आप मेरे चैनल को फॉलो करना चाहेंगे? मैं सरदार जी को फॉलो करा रहा हूँ, कल को इनका वीडियो आएगा यूट्यूब पर, आप सब लोग देख कर लाइक कीजिएगा। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये गोलापार के अंदर एक नया रेस्टोरेंट एंड होटल खुला हुआ है, जहाँ पर रूम्स भी मिलते हैं और हट भी मिलते हैं, आप लोग यहाँ पर आकर अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा और पूरी बाउंड्री वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा।